स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास फोर सोशल स्टडी चैप्टर फोर द नॉर्थन माउंटेंस ही कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग इस चैप्टर में माउंटेन पास के बारे में पढ़ेंगे, हिमालया माउंटेंस के क्लाइमेट, यहाँ के जो वेदर है उसके बारे में, यहाँ की वेजिटेशन के बारे में, यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में, और हिमालया की जो हिमालया रीजन के जो स्टेट्स हैं उसमें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। माउंटेन पास, आप लोग जानते हैं माउंटेन पास किसे कहते हैं? जो माउंटेन्स होते हैं उसमें से माउंटेन पास कहते हैं, उन्हें ला भी कहते हैं। और पास का यूज़ पीपल्स जो हैं वो माउंटेन्स को क्लाइंब करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए माउंटेन्स पर, और माउंटेन्स को क्रॉस करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पिक्चर में आपको राइट हैंड साइड में रोहतक पास का डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे टेबल में आपको माउंटेन पासेस के एग्जांपल्स दिए हुए कौन कौन से हैं, जैसे जोजीला, रोहतक पास, शिपकीला, चांगला, खरदुंगला, नाथूला, ये सारे जो हैं माउंटेन पासेस हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट। सो यहाँ पर देखिए, जो ग्रेटर हिमालयास है यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ठंडा होता है, और पूरे साल भर यहाँ पर बहुत ही ठंड रहती है, बिकॉज विंटर सीज़न के टाइम पर यहाँ पर बहुत ही हैवी स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल मतलब आप लोग समझते हैं ना, बर्फ़ गिरते हैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से यहाँ पर साल भर बहुत ठंड होती है। जो मिडिल हिमालया है वहाँ पर जो समर सीज़न होता है, जो समर सीज़न में वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास लगभग होता है। यहाँ पर समर सीज़न में बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं हिल स्टेशंस पर घूमने के लिए आते हैं, ताकि वो यहाँ पर यहाँ के जो वेदर है, जो इतना सुंदर इतना प्लीजेंट वेदर है, उसे इंजॉय कर सकें। तो समर सीज़न में यहाँ पर विज़िट करते हैं। आउटर हिमालयस जो हैं वो इतने ज़्यादा कोल्ड नहीं होते हैं, बट मानसून जब होता है तो मानसून के टाइम पर यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, भारी वर्षा होती है। नॉर्थन माउंटेंस जो हैं यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हमारी कंट्री के क्लाइमेट को भी अफेक्ट करता है, और इसलिए ये जो नॉर्थन माउंटेंस है ये जो ठंडी हवाएं जो होती हैं उनको स्टॉप करते हैं सेंट्रल एशिया से बहते हुए ये इंडिया तक आती है, और उसके कारण ही जब वो उसे रोकते हैं तो इसके कारण ही हमारे यहाँ इंडिया में, हमारी कंट्री में बारिश होती है। यहाँ पर यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र हैं हिमालयस के आसपास के, तो यहाँ पर आउटर हिमालयस के आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों में स्नोफॉल होता है, और कई स्टेट्स में, यहाँ की कई स्टेट्स में आसपास स्नोफॉल होता है। नेक्स्ट इज़ नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन मींस क्या होता है? वेजिटेशन मींस ऐसे क्षेत्र जहाँ पर प्लांट लाइफ होती है, जहाँ पर पौधे उगते हैं मोस्टली। तो जो हिमालय है, तो हिमालय की जो माउंटेन रेंज है यहाँ पर नेचुरल जो वेजिटेशन है वो पाया जाता है, नेचुरल वनस्पतियाँ यहाँ पर उगती हैं। सो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय के बारे में। जो ग्रेटर हिमालयस है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत स्नोफॉल होता है, तो यहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस होने के कारण यहाँ पर जो वेजिटेशन हैं, जो वनस्पतियाँ हैं, वो बहुत ही छोटी छोटी वनस्पतियाँ यहाँ पर उगती हैं, जैसे कि श्रब्स, मॉसेस, वाइल्ड फ्लावर्स जो जंगली फूल होते हैं, जैसे कि ब्लू पॉपीज है और एडलवेस है, ये इस तरीके के पौधे यहाँ पर उगते हैं। यहाँ पर आपको नीचे मॉसेस का डायग्राम दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड में आपको जो ब्लू पॉपीज फ्लावर हैं उनका डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिडिल हिमालयस। मिडिल हिमालयस में मोस्टली पाइन, ओक,
पोपलर, वॉलनट, स्प्रूस, फिर साइप्रेस, जूनिपर, बर्च, इस तरीके के पौधे यहाँ पर मोस्टली पाए जाते हैं। और ये ऐसे क्षेत्र हैं मिडिल हिमालयस, यहाँ पर मोस्टली ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे ऑर्चर्ड्स हैं। ऑर्चर्ड्स मतलब कि बाग हैं, एप्पल्स के, प्लम्स के, पीचेस के, पियर्स, चेरीज, आलमंड्स, इन सभी के बाग यहाँ पर मोस्टली पाए जाते हैं। रोडोडेंड्रॉन्स नाम का पौधा भी, जो पेड़ होता है, प्लांट्स होता है, पौधा, वो भी यहाँ पर मोस्टली उगता है। यहाँ पर आपको स्प्रूस ट्री का डायग्राम दिया हुआ है जिसे चीर का पेड़ बोलते हैं, और इधर आपको एप्पल ऑर्चर्ड्स के डायग्राम दिया हुआ है, जो एप्पल से फल के जो बाग होते हैं उनका पिक्चर दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आउटर हिमालय। आउटर हिमालयस जो है, आउटर हिमालयस के क्षेत्र में जो है यहाँ पर ऐसे जंगल पाए जाते हैं जो ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वो यहाँ पर मोस्टली होते हैं। ब्रॉड लीफ मतलब जिन पेड़ों की पत्तियाँ बहुत ही ब्रॉड होती है, और हरे भरे पेड़ यहाँ पर होते हैं, ऐसे जंगल यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर डेसीडियस ट्रीज होते हैं, डेसीडियस मतलब जो झड़ने वाले पेड़ होते हैं, जैसे कि कीकर, साल, टीक, बबूल, ऐसे पेड़ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको टीक ट्री का डायग्राम भी दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, देखिए दिख रहा है सभी को, है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ। यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मोस्टली नॉर्थन माउंटेंस जो हैं, यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, याक्स, गोट्स, स्नो लियोपार्ड्स, मस्क डियर, मस्क डियर मतलब कस्तूरी हिरण जिसे बोलते हैं, वाइल्ड शीप, जंगली भेड़ जो होते हैं, और इस तरीके के एनिमल्स यहाँ पर मोस्टली पाए जाते हैं नॉर्थन माउंटेंस पे। जो मिडिल हिमालय रेंज है, यहाँ की जो जंगल है, यहाँ पर मोस्टली टाइगर्स, लियोपार्ड्स और राइनासोर्स और मैनी टाइप्स ऑफ डियर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। जो आउटर हिमालय रेंज है, यहाँ की जो फॉरेस्ट हैं, यहाँ की जो जंगल हैं, यहाँ पर मोस्टली हाइना, जैकल, एलिफेंट और टाइगर एनिमल पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल पार्क्स भी हैं जो कि हम घूम सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं नॉर्थन माउंटेन्स में विज़िट करने के लिए, तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको एग्जांपल भी दिए हुए हैं कौन कौन से हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है, तो ये सारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स हैं। यहाँ आप देखिए राइट हैंड साइड में आपको राइनासोर्स का डायग्राम दिया हुआ है, और इधर साइड में आपको याक का डायग्राम दिया हुआ है। इस पे देखिए नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपको चेक पॉइंट दिया हुआ है। चेक पॉइंट में फ्लिंग द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट देखिए ए, अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स डेट आर क्लोज टुगेदर इज कॉल्ड अ डैश। तो यहाँ पर आंसर आएगा माउंटेन रेंज। नेक्स्ट है बी, डैश इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर आएगा माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है सी, द वर्ल्ड द अबो ऑफ स्नो, तो यहाँ पर आएगा हिमालया। नेक्स्ट नंबर डी, द ग्रेटर हिमालयाज आर आल्सो कॉल्ड, सॉरी आल्सो नोन एज डैश। ग्रेटर हिमालयाज को हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा हिमाद्री। ई नंबर जो है, ई पॉइंट नंबर, यहाँ पर देखिए रोडोडेंड्रॉन्स आर ग्रोन इन द मिडिल हिमालयस, यहाँ पर आएगा मिडिल हिमालयस। नेक्स्ट देखिए पिक्चर स्टडी में आइडेंटिफाई द पिक्चर, ये पिक्चर आपको दिख रहा है, ये किसका पिक्चर है, अभी हमने देखा था, ये किसका पिक्चर है, ये माउंटेन पास का पिक्चर है। Why do people use it? People इसे use क्यों करते हैं? People इसे mountains को climb करने के लिए और mountains cross करने के लिए इसका use करते हैं। Next देखिए states in Himalaya region।
कौन कौन से स्टेट्स हैं हिमालय में? तो फर्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है हमारी इंडिया की जो स्टेट है, ये सबसे नॉर्थन मोस्ट स्टेट है, सबसे उत्तरी क्षेत्र में है, उत्तर में है। और ये जो स्टेट है इसकी टू कैपिटल्स हैं, दो राजधानियां हैं, श्रीनगर जो कि समर मंथ्स में श्रीनगर और विंटर मंथ्स में जम्मू इसकी कैपिटल है। यहाँ पर इस स्टेट में जो नदियाँ हैं जो बहती हैं वो कौन कौन सी हैं? इंदू, तवी, रवि, छेनाब, ये जो सॉरी चिनाब, ये सारी जो हैं यहाँ की बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो यहाँ पर बहती हैं। यहाँ पर इस स्टेट में फेमस लेक्स भी हैं, झील भी हैं, और वो टू फेमस लेक्स कौन सी है? डल और वुलर, ये दो लेक है। जो वुलर लेक है वो एशिया की बिगेस्ट लेक है, सबसे बड़ी लेक है एशिया की। और जो डल लेक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल हाउस बोट्स होते हैं। डल लेक में फुल ऑफ ब्यूटीफुल हाउस बोट्स होती है डल लेक, जो जिसमें बहुत सारे जो हाउस बोट्स होते हैं उन्हें एज अ होटल यूज़ किया जाता है। टूरिस्ट वहाँ पर रुकते हैं जब वो विज़िट करने आते हैं, घूमने आते हैं यहाँ पर। तो और जो ऐसी बोट्स होती हैं जो कि वुडन की होती हैं, और नीचे से जो उनका बॉटम होता है वो फ्लैट होता है, तो फ्लैट बॉटम वाली जो वुडन बोट्स होती हैं वो यहाँ पर यूज़ की जाती हैं, और उन्हें शिकारा कहते हैं। ये जो बोट्स होती हैं ये लेक में, झील में बहुत ही अच्छे से फ्लोट करती हैं, इसलिए यहाँ पर इन्हें यूज़ किया जाता है। ये जो शिकारा है इसमें यहाँ के लोग फल, सब्जियाँ और फूल सेल करते हैं, बेचते हैं। नेक्स्ट है प्लेसेस टू विज़िट। यहाँ पर कौन कौन से प्लेसेस हैं? श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, ये यहाँ के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं इस स्टेट के, जो कि मोस्टली विज़िट करने के लिए, घूमने के लिए यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। जो गुलमर्ग है ये मोस्टली स्काइंग जो है, स्कीइंग और आइस स्केटिंग के लिए मोस्टली यहाँ पर लोग आते हैं। आइस स्केटिंग आप लोगों को पता होगा, आइस के ऊपर स्केटिंग करना, और स्कीइंग मतलब जो आप लोगों ने अगर देखा हो तो जो इस तरीके की लकड़ी के जो बड़े बड़े उसमें डंडे होते हैं और उनको पकड़ के उनसे जो है फिसला जाता है बर्फ़ के ऊपर, उसे स्कीइंग बोलते हैं। ये जो स्टेट है, द स्टेट इज़ आल्सो फेमस फॉर गार्डन्स, यहाँ पर बहुत सारे गार्डन्स भी हैं, इसलिए ये स्टेट गार्डन्स के लिए भी फेमस है। जैसे कि शालीमार बाग है, निषाद बाग है, चश्मे शाही, इंदिरा गांधी तुलिप गार्डन, ये सारे फेमस गार्डन्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर आपको देखिए राइट हैंड साइड में शिकारा बोट्स जो हैं उसका डायग्राम दिया हुआ है। इस तरीके की बोट्स यहाँ पर होती हैं जो कि डल लेक और वुलर लेक, इन सभी लेक्स में टूरिस्ट घूमने के लिए इन्हीं बोट्स में जाते हैं। यहाँ पर इस स्टेट में बहुत सारे पवित्र स्थान भी हैं, बहुत सारे टेंपल्स, बहुत सारे फेमस मंदिर भी हैं जो कि जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं दर्शन करने के लिए। और ये कौन कौन से हैं? जैसे कि शंकराचार्य टेंपल है, अमरनाथ केव्स है, अमरनाथ गुफा है, वैष्णो देवी श्राइन, वैष्णो देवी टेंपल है, रघुनाथ टेंपल है, तो ये सारे फेमस टेंपल्स और होली प्लेसेस भी यहाँ पर हैं जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं दर्शन करने आते हैं। तो आज हम सभी ने माउंटेन पासेस के बारे में पढ़ा, जो कि माउंटेन्स पे क्लाइंब करने के लिए और क्रॉस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। साथ ही हम लोगों ने हिमालय की क्लाइमेट के बारे में भी पढ़ा, यहाँ की वेजिटेशन जो है उसमें कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा, कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं,
साथ ही हमने जम्मू एंड कश्मीर जो हिमालय की स्टेट्स है इसके बारे में हमने पढ़ा। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से फेमस प्लेसेस हैं जहाँ पर हम घूमने जाते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, इन सभी के बारे में आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।